नवरात्रि का छठवां दिन माता कात्यायनी देवी की आराधना का दिन। पांच देवियों की आराधना के साथ आज हम ऊर्जा के एक नए स्तर पर हैं। हमारे साथ इस पृथ्वी की ऊर्जा भी एक नए स्तर पर है। माँ दुर्गा की देवी शक्ति की आराधना करते हुए, उपासना करते हुए हम निमित्त बन रहे हैं इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को बदलने में, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को उन्नत बनाने में। हमारी चारों तरफ देवी शक्ति विद्यमान है। यही देवी शक्ति हमारे अंदर भी विद्यमान है। अपने शरीर के ऊर्जा स्वरूप के प्रति सजग हो जाए। हमारा यह ठोस शरीर वास्तव में ऊर्जा स्वरूप है। यह ऊर्जा निरंतर इस शरीर में बह रही है। यह वही ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में भी प्रवाहित हो रही है। रीढ़ की हड्डी के प्रति सजग, ऊर्जा के प्रवाह के प्रति सजग। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर ले जाए। दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र, सजगता का स्थान, आध्यात्मिक दुनिया का प्रवेश द्वार। हर एक सांस के साथ पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। जो भी संवेदना हो रही है, स्पंदन हो रहे हैं, उसके प्रति सजग। आज्ञा चक्र से जुड़ी देवी, देवी कात्यायनी, माता कात्यायनी का स्मरण करें। उनके स्वरूप का स्मरण करें। माता कात्यायनी नवदुर्गा का छठा स्वरूप। माता कात्यायनी जो कात्यायन ऋषि की पुत्री है। ऋषि चाहते थे कि माँ दुर्गा उनके यहां पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ दुर्गा की शक्ति के अवतरण के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों ने मिलकर अपनी शक्ति से देवी कात्यायनी का सर्जन किया। देवी कात्यायनी में तीनों देवों की शक्ति विद्यमान है। देवी कात्यायनी जिसके अंदर त्रिदेव की शक्ति विद्यमान है, उनके स्वरूप का स्मरण करें। माता कात्यायनी शेर पर विराजमान है,
माता की चार भुजाएं हैं। ऊपर के दाएं हाथ में तलवार है जो ताकत और वीरता का प्रतीक है। नीचे का दाया हाथ अभय मुद्रा में है। ऊपर के बाएं हाथ में कमल का फूल है जो पवित्रता का प्रतीक है। नीचे का बायां हाथ वरदा मुद्रा में है। माता कात्यायनी की शक्ति नकारात्मकता को दूर कर धर्म को स्थिरता प्रदान करने वाली शक्ति है। मां कात्यायनी साहस, निर्भयता और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। मां के इस निर्मल स्वरूप का स्मरण करें। आज्ञा चक्र के प्रति सजग माता कात्यायनी के स्वरूप और स्वभाव के प्रति सजग मां कात्यायनी के द्वारा प्रदान की जाने वाली अपनी विशेषताओं का स्मरण करें। आज अपनी विशेषताओं को याद करते हैं, उसे उजागर होने देते हैं। साहस, जीवन में आने वाली कोई भी परिस्थितियों का हम साहस के साथ सामना कर रहे हैं। यह शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है। दृढ़ निश्चय, जीवन के लक्ष्यों को पाने का दृढ़ निश्चय, चाहे वह कितने भी दुर्जय क्यों ना हो। पवित्रता, पवित्रता हमारे विचारों की, वाणी की, शब्दों की। अन्याय से लड़ने की शक्ति, हम न्याय के योद्धा हैं। अन्याय के सामने लड़ने की शक्ति हमारे अंदर निहित है। सुरक्षा, जीवन की किसी भी विकट परिस्थिति में परम शक्ति हमारे साथ है। यह शक्ति हमें निरंतर रास्ता दिखा रही है। हर पल हमें मार्गदर्शन दिया जा रहा है। हर पल हमारी रक्षा की जा रही है। हम सुरक्षित हैं। अपने आसपास इस देवी शक्ति के द्वारा निर्मित सुरक्षा कवच को महसूस करें। यह देवी शक्ति जो हमारी मां है, निरंतर हमारी रक्षा कर रही है। ऊर्जा के इस सुरक्षा कवच का अनुभव करें।
निश्चिंत हो जाए। हम सुरक्षित हैं, निश्चिंत हो जाए। विश्राम करें। अपनी चेतना में गहरा विश्राम करें। गहरा विश्राम करें। विश्राम करें। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये